साल था 1972। पोर्टलैंड के रीड कॉलेज में डिग्री की पढ़ाई करने के लिए पहुंचा एक मासूम सा 17 साल का लड़का अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था। वो कॉलेज कैंपस के आसपास के कूड़े के ढेर में से खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतलें उठाता, उन्हें बेचकर पैसे जोड़ता था। हॉस्टल में पैसे बचाने के लिए वो अपने दोस्तों के कमरे में फर्श पर ही सो जाता था और मीलों चलकर इस्कॉन टेंपल पर जाकर खिचड़ी को प्रसाद के रूप में खाता और अपना पेट भरता था। लेकिन फिर भी वो कॉलेज के पैसे नहीं जुटा पाया और अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना इस इरादे से उसी साल कॉलेज ड्रॉप आउट ले लिया। यानी कि अब उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही डिग्री, लेकिन अगले 20 सालों में उसने अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना डाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की। लेकिन स्टीव जॉब्स ने कैसे अपने करियर में इतनी अपार सफलता हासिल की, और क्या आप जानते हैं कि कॉलेज ड्रॉप आउट के बाद स्टीव जॉब्स भारत आए थे, जिसे लेकर कहा जाता है कि अगर स्टीव जॉब्स इंडिया नहीं आए होते तो शायद ना कभी एप्पल कंपनी बनती और ना ही उसकी टैगलाइन होती थिंक डिफरेंट। तो आखिर एप्पल कंपनी का भारत से क्या नाता है, जानेंगे दुनिया की सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति स्टीव जॉब्स की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी और उनकी स्पीच को। दोस्तों, कॉलेज से ड्रॉप आउट करने के बाद स्टीव सबसे पहले अपने होम टाउन लॉस एल्टोस वापस लौटे और दिन रात नौकरी की तलाश में लग गए। अब पैसे तो चाहिए थे। अब भले ही उनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन वो कंप्यूटर में काफी माहिर थे, इसीलिए उन्हें Atari.inc नाम की गेमिंग कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ महीनों तक स्टीव ने वहां पे काम करके कुछ पैसे जोड़े और mid-1974 में फ्लाइट पकड़कर सीधा आ गए इंडिया। अपनी स्पीच में स्टीव कहते भी हैं कि भारत यात्रा पर जाना मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था। अब ऐसा क्यों, वो आप आगे जानेंगे। तो इस ट्रिप में स्टीव जॉब्स के साथ उनके कॉलेज के दोस्त डेन कॉटेक भी थे, और ये दोनों खास तौर पर नीम करोली बाबा से मिलने आए थे, क्योंकि नीम बाबा की बी हियर नाउ किताब पढ़कर उनकी स्पिरिचुअलिटी में विश्वास जाग उठा था, जिसके बाद ही स्टीव ने स्कॉन मंदिर जाना और हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिया था। अब आपको बता दें कि नीम बाबा अटारी एक हिंदू संत और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, और वो नैनीताल के कैंची धाम आश्रम में रहते थे। इसीलिए जब स्टीव को अपने जीवन में गाइडेंस नहीं मिल रही थी, तो वो नीम बाबा से गाइडेंस लेने के लिए भारत आए थे। लेकिन कैंची धाम पहुंचकर उन्हें पता चला कि नीम बाबा तो एक साल पहले ही स्वर्गवासी हो चुके थे, और ये खबर सुनते ही स्टीव जॉब्स के पैर तो थर थर कांपने लगे और वो वहीं जमीन पर बैठ गए, क्योंकि अब उनकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं था और ना ही डायरेक्शन दिखाने वाले जीवित थे। दोस्तों, इसी शोक और दुख में उन्होंने सीखा कि वक्त और लोग अक्सर किसी के लिए नहीं रुकते हैं, जिसके बाद वो नैनीताल से सीधा आ गए दिल्ली, जहां उन्होंने टी शर्ट और जीन्स को छोड़कर खादी कुर्ता और लुंगी पहनना शुरू किया। दिल्ली में उन्होंने गांधी जी और उनकी अहिंसा की काफी कहानियां सुनी, जिसने मानो उनकी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया, और यहीं से एप्पल की थिंक डिफरेंट टैग लाइन का जन्म हुआ था। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में दो रोटी के लिए 12-12 घंटे परिश्रम कर रहे लोगों की गरीबी को भी नजदीकी से महसूस किया, जिससे उन्होंने सीखा कि मुश्किल हालातों में भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। भारत की मिट्टी ने उन्हें इतना कुछ सिखा दिया था कि वो जल्द ही अपने देश वापस जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो जल्दी से हिमालय की तरफ निकल पड़े, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, मेडिटेशन करना शुरू किया और नॉन वेजिटेरियन खाने को छोड़कर सीधा और शुद्ध शाकाहारी भोजन करना शुरू किया। अब करीबन 7 महीने तक स्टीव और डेन ने भारत और यहाँ की संस्कृति से काफी कुछ सीखा, और फिर दोनों कैलिफोर्निया के लिए रवाना हो गए, जहां साल 1976 में स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव वॉजनियाक के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स के गैराज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की। और शुरुआत में अपने स्टार्टअप को फंड करने के लिए जॉब्स ने अपनी फॉक्सवैगन की बस $1500 में बेच दी, जबकि वॉजनियाक ने अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर बेचा, और उन पैसों से दोनों ने अपना पहला एप्पल कंप्यूटर बनाया, जिसके बाद उन्हें जो सफलता मिली उसकी दास्तां इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अब आप सुनेंगे स्टीव जॉब्स की स्पीच मेरी जुबानी। जब आप बड़े होने लगते हो तो लोग आपसे कहते हैं कि इस दुनिया को बदला नहीं जा सकता, आपका काम है इस दुनिया के रीति रिवाजों को अपनाकर जीना, एक प्यारे परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, थोड़ा बहुत फन करना और जरूरत के लिए पैसे बचाना। लेकिन ये सलाह ठीक वैसी है जैसे एक परिंदे को 4 दीवारों में कैद कर देना। आपका जीवन देखिए काफी बेहतरीन हो सकता है अगर आपने एक सिंपल फैक्ट को समझ लिया, और वो ये है कि आपके आसपास की हर चीज और हर घटना जिसे आप जीवन कहते हैं, वो उन इंसानों से जुड़ी हुई है जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, और आप इसे बदल सकते हैं। आप ऐसी चीजें बना सकते हैं जिन्हें दूसरे लोग इस्तेमाल कर पाएं।
इसीलिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यही है कि आप लोगों की विचारधारा से इन्फ्लुएंस होकर अपने जीवन को जीना चाहते हैं या फिर इसे बदलना चाहते हैं और इस पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है और जब आप इसे बदलने के तरीके को समझ जाएंगे तो आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। ये काफी दिलचस्प बात है कि जब मैं 23 साल का था तो मेरी वर्थ यानी कि मेरा मूल्य $1 million था। जब मैं 24 साल का था तो मेरे पास $10 million थे और 25 साल की उम्र में यह आंकड़ा $100 million के पार चला गया। लेकिन यह मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी कोई काम पैसों के लिए नहीं किया। मुझे लगता है कि पैसा काफी बेहतरीन चीज है जो आपको ऐसे आइडियाज में इन्वेस्ट करने की फ्रीडम देता है जिनसे शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन उस वक्त मेरे जीवन में पैसों का महत्व उतना नहीं था जितना महत्व कंपनी का था, मेरे लिए काम कर रहे लोगों का था और उन प्रोडक्ट्स का था जो हम बना रहे थे। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यह बात सीखी है कि लोग आपकी मदद करना चाहते हैं लेकिन कई लोगों को वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता क्योंकि वो कभी किसी के सामने मदद मांगने के लिए हाथ ही नहीं बढ़ाते। मैं हमेशा लोगों से मदद मांगता हूं। मैंने 12 साल की उम्र में बिल ह्यूलेट को कॉल किया था। उनका नंबर मुझे फोन बुक से मिला था और जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने खुद फोन उठाया। तब मैंने कहा कि मैं स्टीव जॉब्स हूं, मैं 12 साल का हूं और हाई स्कूल में पढ़ता हूं। दरअसल मैं एक फ्रिक्वेंसी काउंटर बनाना चाहता हूं और मैं सोच रहा था कि शायद आपके पास इसके लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स हों। तभी बिल ने जोर का ठहाका लगाया और एक्चुअली में मुझे स्पेयर पार्ट्स भिजवा दिए। यहां तक कि उन्होंने मुझे उस साल गर्मियों में ह्यूलेट पैकर्ड कंपनी, जिसे आज आप HPINC के नाम से जानते हैं, वहां जॉब भी ऑफर कर दी, जहां मैंने फ्रिक्वेंसी काउंटर की असेंबली लाइन में ही काम किया और वो गर्मियों में मेरे लिए स्वर्ग से कम नहीं था। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन मैंने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिनसे मैंने मदद मांगी हो और उन्होंने मेरा कॉल कट कर दिया हो। और जब कोई और भी मुझसे मदद मांगता है तो मैं उतने ही रिस्पॉन्सिव तरीके से जवाब देता हूं। कुछ लोग कभी अपना फोन उठाकर किसी से मदद नहीं मांगते और उनकी यही भूल उन्हें उन लोगों से अलग बनाती है जो अपने सपनों के लिए काम करते हैं। आपको एक्शन लेना होगा, आपको फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार रहना होगा क्योंकि अगर आप फेल होने से डरोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कई लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, तभी मैं कहता हूं बहुत बढ़िया, आपके पास कौन सा आइडिया है बताइए। जो सुनकर वो कहते हैं कि फिलहाल मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तभी मैं उनसे कहता हूं कि आप जाकर कोई नौकरी करो, तभी शायद आपको ऐसी चीज मिलेगी जिसके लिए आप पैशनेट हो। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए काफी काम करने की जरूरत होती है, इसीलिए आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपनी कंपनी को सफल बनाने के लिए उसके प्रति समर्पित होने की जरूरत है। क्योंकि शुरुआत में हफ्ते के 7 दिन हर रोज 18 घंटे काम करने की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है जिसके लिए आप पैशनेट हो तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे और बीच रास्ते में हार मानने लगोगे। मैंने 11 साल की उम्र में पहला कंप्यूटर देखा था, तब से मैंने अपना पूरा जीवन इसी एक इंडस्ट्री को समर्पित कर दिया। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जिन्होंने भी अपनी एक्शन से दुनिया बदली है वो हमेशा काम करने के लिए तैयार रहने के साथ मेजर थिंकर्स भी होते हैं। अपनी आगे की सोच के साथ वो कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं जो उन्हें दूसरों से आगे निकलकर सफल होने में मदद करते हैं। एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाता है वो ना सिर्फ अच्छा पेंटर होता है बल्कि एक बेहतरीन केमिस्ट भी होता है, क्योंकि वो डिफरेंट कलर्स को मिलाकर एक नया कलर बना लेता है, तभी जाकर एक ग्रेट पेंटिंग बनती है। इसी तरह आपको भी अपनी इंडस्ट्री की हर बारीकी को जानना होगा और कई बार ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो शुरुआत में तो लोग पसंद नहीं करेंगे लेकिन आगे चलकर वो आपकी इंडस्ट्री में क्रांति ला देंगे। जैसे कि इंटेल ने USB केबल को इन्वेंट किया था, लेकिन उसका इस्तेमाल सबसे पहले हमने किया था। वहीं शुरुआत में जब हमने मैक से एक बड़ी सी फ्लॉपी डिस्क निकाल दी तो कई लोगों ने इससे नाराजगी जताई कि ये क्या है, कैसे है, लेकिन फिर इंडस्ट्री ने हमें फॉलो किया और आगे चलकर फाइल ट्रांसफर के लिए मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे फ्लॉपी डिस्क की जरूरत ही नहीं रही। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि भारत की मिट्टी में ऐसा तो क्या है कि एप्पल, रिलायंस, अडानी और टाटा जैसी मल्टी बिलियन डॉलर्स के एम्पायर के रूट्स यानी कि शुरुआती जड़ें भारत से पाई जाती है।
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करके 2100 लाइक्स के टारगेट को हासिल करने में हमारी मदद कीजिएगा। और ऐसे ही दमदार शानदार वीडियोस के लिए लाइफ मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।